हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेमोरी कनेक्शन टू सीपीयू, यानी कि जो मेमोरीज का हम कनेक्शन सीपीयू के साथ कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, तो आपके सामने यहाँ पर एक मेमोरी का कनेक्शन सीपीयू के साथ शो हो रहा है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस डायग्राम को अब देखते हैं कि कैसे कैसे ये डायग्राम बना है। तो सो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि मेमोरी कनेक्शन सीपीयू के साथ क्या होता है, कैसे होता है। फ्रेंड्स, रैम व रोम चिप डेटा व एड्रेस बसेस के माध्यम से सीपीयू से कनेक्टेड होते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो, डेटा बस और एड्रेस बस, ठीक है, जो हमारे ये रैम चिप हैं, आपने देखा है यहाँ पे 4 रैम चिप यूज किए गए हैं और 1 रोम चिप का यूज हमने किया है। फ्रेंड्स, और ये जो हमारे रैम और रोम चिप होती हैं वो सीपीयू से कैसे कनेक्टेड होते हैं, वाया एड्रेस बस और डेटा बस, ठीक है। ये डेटा बस और ये एड्रेस बस के थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं। फ्रेंड्स, एड्रेस बस में लो ऑर्डर लाइंस चिप के अंदर बाइट्स को सेलेक्ट करती हैं और एड्रेस बस में अदर लाइंस जो होती हैं फ्रेंड्स, इसमें वो अपने चिप को सेलेक्ट करती हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, सीपीयू में मेमोरी चिप का कनेक्शन फिगर में आपको दिखाया गया। फ्रेंड्स, ये फिगर है जो सीपीयू में मेमोरी चिप का कनेक्शन कैसे होता है, ठीक है। इस कॉन्फिग्रेशन के 512 बाइट रैम व 512 बाइट रोम मेमोरी की कैपेसिटी देता है। फ्रेंड्स, आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, 512 बाइट रैम और 512 बाइट रोम की जो है मेमोरी कैपेसिटी देता है, ठीक है। प्रत्येक रैम को 128 पॉसिबल बाइट्स में से एक को सेलेक्ट करने के लिए, 128 पॉसिबल बाइट्स में से एक को सेलेक्ट करने के लिए एड्रेस बस के 7 लोअर ऑर्डर बिट्स प्राप्त होते हैं। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं 127 7 लोअर ऑर्डर बिट्स प्राप्त होते हैं 128 बाइट्स रैम को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। चुने गए पर्टिकुलर रैम चिप को एड्रेस बस में लाइन 8 और 9 से निर्धारित किया जाता है। फ्रेंड्स, जो हमारे चुने गए जो पर्टिकुलर रैम चिप में जो एड्रेस लाइंस हैं 8 और 9, ठीक है फ्रेंड्स, इससे निर्धारित किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, यह एक 2x4 डिकोडर के माध्यम से किया जाता है, जिसके आउटपुट प्रत्येक रैम से CS1 इनपुट पर जाते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि इसने कहा कि चुने गए पर्टिकुलर रैम चिप को, यानी कि जो भी हम रैम चिप को सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये रैम चिप 1 को कर रही है, ये वाली लाइन हमारा डिकोडर रैम चिप 3 को कर रहा है, ये 2 को कर रहा है, इस तरीके से। फ्रेंड्स, तो इसने यही कहा कि पर्टिकुलर रैम चिप को एड्रेस बस में लाइन 8 और 9, ठीक है, इससे निर्धारित किया जाता है कि कौन सा रैम चिप हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, यह एक 2x4 यानी कि 2:4, यानी दो हमारी यहाँ से लाइन्स आ रही है, 4 लाइन यहाँ निकल रही है, यानी 2:4 डिकोडर के माध्यम से किया जाता है, जिसके आउटपुट प्रत्येक रैम चिप को CS1 पर सेलेक्ट करते हैं, यानी कि जिसके आउटपुट्स क्या करते हैं फ्रेंड्स, जैसे 0 आउटपुट है आपके रैम चिप 1 CS1 पर सेलेक्ट कर रहा है, यानी कि रैम 1 को सेलेक्ट कर रहा है, जो हमारा 1 पॉइंट है वो CS1 को यहाँ सेलेक्ट कर रहा है, यानी कि रैम 2 को कर रहा है, जो सेकेंड हमारा सिग्नल है वो रैम 3 को कर रहा है, जो हमारा लास्ट है वो रैम 4 को कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम इस डिकोडर के माध्यम से ये डिसाइड करते हैं कि कौन से रैम चिप को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जब एड्रेस लाइन हमारी जो है 8 और 9 00 के इक्वल होता है, तो हम चिप 1 को सेलेक्ट करते हैं, यानी रैम चिप 1 को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और जब हमारी एड्रेस लाइन 8 और 9 0 और 1 के बराबर होती है, तब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इट मीन्स फ्रेंड्स, जब हमारी जो है दूसरी चिप को सेलेक्ट किया जाता है, जब हम 0 और 1 पाते हैं। ओके, और फ्रेंड्स, माइक्रो प्रोसेसर से रीड व राइट, यानी कि रीड व राइट आउटपुट प्रत्येक रैम चिप के इनपुट पर अप्लाई किए जाते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि राइट है ये भी रैम चिप के इनपुट पर है, रीड है ये भी रैम चिप के इनपुट पर है, ठीक है फ्रेंड्स, जो ये प्रत्येक रैम चिप के इनपुट पर अप्लाई किए जाते हैं, जो हमारे रीड और राइट सिग्नल हैं। ओके फ्रेंड्स, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, जैसा कि इसने बताया कि हम रैम, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा मेमोरी मैपिंग वाले में, कि रैम और रोम चिप का सिलेक्शन हम किस बेसिस पे कर रहे थे, एड्रेस लाइन 10 के बेसिस पे, ठीक है फ्रेंड्स। और रैम चिप में कौन सी रैम सेलेक्ट होगी, इसका हम सिलेक्शन किस बेसिस पे कर रहे थे, एड्रेस बस लाइन में 8 और 9 नंबर की लाइन से। तो फ्रेंड्स, वही इसने कहा कि 2:4 का इसने एक डिकोडर लगा दिया है कि हमारी कौन सी रैम चिप कैसे सेलेक्ट होगी, यानी कि 0, 1, 2, 3, यानी कि 4 इसने यहाँ पे आउटपुट सिग्नल दे दिए हैं। तो इसका क्या, 0 की बाइनरी क्या है फ्रेंड्स, 0, 0 होती है, यानी कि जब 0, 0 होगा तो हमारा चिप सेलेक्ट 1, यानी कि इसको हम इस पर अटैच करेंगे, यानी कि रैम 1 हमारी सेलेक्ट होगी फ्रेंड्स, ठीक है। और 8, 9 जो हमारी लाइन है, इस पर जब हम 1 की बाइनरी क्या होती है फ्रेंड्स, 0, 1 होती है, यानी कि जब हमारे पास सिग्नल
एट और नाइन पर 0 1 आएगा तो हमारी रैम 2 सेलेक्ट होगी, ठीक है फ्रेंड्स। और 2 की बाइनरी क्या होती है फ्रेंड्स, 1 0, यानी कि जब हमारे 8 और 9 पिन पर 1 0 जो है, मतलब कि यानी कि इस पे आ रहा है सिग्नल 1 0, तो उस पे क्या होगा हमारा रैम 3 सेलेक्ट होगा। जैसा कि आपने मेमोरी मैपिंग की वीडियो में टेबल देखी होगी, अगर आपने नहीं देखी तो आप एक बार जाके उसे दोबारा से देख लें, तब आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और जो फाइनल हमारा आउटपुट है ये मतलब कि थर्ड नंबर पर यानी 3 की बाइनरी क्या होती है फ्रेंड्स, 1 1 होती है, यानी कि जब हमारा सिग्नल 8 और 9 पर 1 1 हमारी लॉजिक मतलब 1 1 मतलब मिलता है सिग्नल, तो उस पर क्या होगा हमारा रैम 4 सेलेक्ट होगा, ओके फ्रेंड। तो इस तरीके से हम रैम के बीच का अंतर जो है डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे कि कब कौन सी रैम चिप हमारी सेलेक्ट होगी वाया 8 और 9 एड्रेस बस लाइन के थ्रू, ठीक है। कि कब जब हमारा 0 0 इन दोनों पे सिग्नल आता है तो रैम 1 सेलेक्ट होती है, 0 1 आता है तो रैम 2 होती है, 1 0 आता है तो रैम 3 होती है, और 1 1 आता है तो रैम 4 सेलेक्ट होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम ये कैसे डिसाइड कर रहे थे कि हमारी रैम चिप कब सेलेक्ट होगी और रोम चिप कब सेलेक्ट होगी, इसके लिए हमारे पास लाइन नंबर 10 है, एड्रेस बस लाइन की 10 से हम डिसाइड करेंगे। जब हमारा 10 0 होता है फ्रेंड्स तो हमारे पास रैम सेलेक्ट होती है, ठीक है। और जैसे हमारे 10 का सिग्नल 1 होता है फ्रेंड्स तो हमारे पास क्या होती है रोम सेलेक्ट होती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लाइन नंबर 10, ये लाइन हमारी यहाँ से यहाँ गई है और ये लाइन देखो ऐसे आके यहाँ आ रही है, ठीक है। यानी कि जब ये हमारा 0 होता है CS2 पर बार, यानी कि हम हाई देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 अगर हम सिग्नल दे रहे हैं तो 0 आ जाएगा, यानी कि जब हमारी 0 होती थी फ्रेंड्स तो क्या होता था रैम चिप सेलेक्ट होती थी। और यही सिग्नल देखो आप यहाँ पर CS2 पर भी सेलेक्ट है, यहाँ पर भी और इसमें भी। तो यानी कि जब हमारी 10 नंबर की पिन 0 होती है तो रैम चिप हम सेलेक्ट करते हैं, और जैसे ही ये पिन 1, यानी कि आपने देखा कि हमने यहाँ पर 0 सिग्नल दिया है, 10 पर हमने 0 सिग्नल दिया फ्रेंड्स, तो 0 पर ये रैम को सेलेक्ट कर रही थी। और इसको हम 1 करने के लिए, जैसे हमें रोम चिप की अगर ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे इसको 1 सेट करेंगे, यानी यहाँ पर हमने एक नॉट गेट लगा दिया है जो इसकी वैल्यू को चेंज कर देगा। यानी हम यहाँ 0 दे रहे हैं तो यहाँ ये 1 हो जाएगा, 1 होते ही ये क्या करेगा रोम चिप को सेलेक्ट करेगा, ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स इसको आपको समझने के लिए इससे पहले आपको मेमोरी मैपिंग की टेबल आनी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, इसलिए आप प्रीवियस वीडियो को जाकर एक बार देख लें, नहीं तो आपको ये कनेक्शन समझ में नहीं आएगा, ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपने ये देखा कि चिप सेलेक्ट 1 का क्या काम था, जो हमारा 8 और 9 था पिन, ठीक है, 8 और 9 नंबर की जो एड्रेस बस लाइन थी, इसका काम हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया CS1 से कि कौन सी जो है कब हमारी चिप सेलेक्ट हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स, कि हमारा, ठीक है। और हमने क्या किया कि जो लाइन नंबर 10 है इससे हमने ये डिसाइड किया कि कब रैम का सिलेक्शन करना है, कब रोम का सिलेक्शन करना फ्रेंड्स। और रैम में हमारे पास हमने दो प्रीवियस जो हमने रैम और रोम चिप की वीडियो देखी थी जो हमने बनाई है, उसमें हमने ये देखा था कि रैम रोम चिप में कितनी एड्रेस लाइन होती हैं, ठीक है। तो जो हमारे एड्रेस लाइंस रैम में होती थी वो 1 to 7 होती थी फ्रेंड्स, इसलिए हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि 7 एड्रेस लाइंस होती थी फ्रेंड्स रैम चिप में, तो हमने क्या किया 1 to 7 एड्रेस लाइन को यहाँ सेलेक्ट कर दिया। आप देख पा रहे हैं 1 to 7 को हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है, ये फ्रेंड्स हर रैम चिप में हमने 7 एड्रेस लाइन को कनेक्ट कर दिया है, जबकि हमारे पास जो है रोम में फ्रेंड्स 9 एड्रेस लाइन होती थी, 9 एड्रेस लाइन होती थी। इसके लिए हम देखो फ्रेंड्स 7 तक का तो ये कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है, और 8 9 को हमने यहाँ से कनेक्शन किया है, 8 और 9, यानी कि रोम में हमारे 9 एड्रेस लाइन होती है, तो 7 का कनेक्शन हमने यहाँ से किया है और 8 9 का कनेक्शन यहाँ से कर दिया है, ओके फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हमारे पास जो पिन्स बचती हैं वो लाइन्स बचती हैं वो क्या है रीड और राइट सिग्नल, जो रीड और राइट हमारा पास कनेक्शन है फ्रेंड्स। आपने देखा कि राइट वाले को हमने राइट से कनेक्ट कर दिया है, जैसा कि आपको पता है रैम में राइट ऑपरेशन परफॉर्म, रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है रैम चिप में, तो उसमें क्या होता है कि हमने राइट को राइट से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, और यहाँ, और रीड को हमने रीड से सेलेक्ट कनेक्ट कर दिया है, जैसे रीड को रीड से, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से आप मेमोरी का कनेक्शन सीपीयू के साथ कैसे हो रहा है वो आप देख पा रहे हैं, और इसको बहुत ही आसानी तरीके से आप जो है ड्रॉ भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं और एग्जाम में कर भी सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा रोम चिप था वो केवल रीड ऑपरेशन परफॉर्म करता था, ठीक है, तो इसके लिए केवल हमने रोम में क्या किया है रीड का कनेक्शन किया है, ठीक है, यहाँ कोई राइट सिंबल नहीं है, कोई राइट सिग्नल नहीं है, ओके फ्रेंड्स। इस तरीके से आपने देखा कि रीड राइट का कनेक्शन हम कैसे करते हैं रैम चिप में करते हैं, और रोम में केवल रीड का कनेक्शन होता है,
रैम में हमारे पास 7 एड्रेस लाइन होती है, यानी AD7 तक होती है, यानी हमने इसका कनेक्शन इससे कर दिया, जबकि हमारे पास रोम में 9 एड्रेस लाइन्स होती है, तो 8 9 दोनों पिन का कनेक्शन हमने यहाँ से कर दिया। ठीक है, हम रैम चिप रोम रैम के अंदर जो हम डिफरेंस करने के लिए हमें 8 और 9, जैसा कि आपने मेमोरी मैपिंग के टेबल देखा उसमें, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते थे कि रोम में रैम में कौन सी चिप हमारी सेलेक्ट होनी है, कौन सी रैम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में चारों रैम में से कौन सी रैम सेलेक्ट होनी है, उसके लिए हम डिकोडर का यूज कर रहे थे, कर लिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो इस तरीके से आपने देखा कि मेमोरी का कनेक्शन सीपीयू के साथ कैसे होता है। आपने फ्रेंड्स एक चीज़ और नोटिस की होगी कि रैम हमारा जो है, रैम का आउटपुट था बाई डायरेक्शनल डेटा बस। ठीक है, जो हमारे रैम में होती थी वो बाई डायरेक्शनल डेटा बस होती थी, क्योंकि इसमें हम रीड राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, मेमोरी में हम डेटा को इनपुट भी करा रहे थे, मेमोरी से हम डेटा को रीड आउट भी कर रहे थे। ओके फ्रेंड्स, जबकि हमारी आपने आपने यहाँ पर देखा कि रैम 1 2 3 4 चारों रैम में हमारी बाई डायरेक्शनल डेटा बस है। ठीक है, जबकि रोम में यूनि डायरेक्शनल डेटा बस है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेमोरी कनेक्शन टू सीपीयू का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप क्वेरी सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जाकर डाल सकते हैं अपनी क्वेरी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।